हमीरपुर की कहरो देवी के हुनर की हर कोई दाद देता नजर आ रहा है। आखिर हो भी क्यों ना, क्योंकि कहरो देवी नाजुक आंखों में पड़े तिनके को पलक झपते ही सुई चाकू और रुई से बाहर निकाल देती हैं। हमीरपुर के अणु खुर्द की निवासी कहरो देवी के इस अनोखे हुनर से हर कोई दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर हो जाता है। अक्सर कहरो देवी के पास ऐसे मरीज पहुंचते हैं जिनका इलाज डॉक्टर भी नहीं कर पाते हैं। जिला हमीरपुर के मुख्यालय के साथ लगती ग्राम पंचायत अणु खुर्द की निवासी 57 वर्षीय कहरो देवी दशकों से आंखों में पड़े हुए तिनके को बाहर निकालने के लिए सेवा भाव से समाज सेवा में जुटी हुई हैं। कहरो देवी को खुद भी इस बात का पता नहीं चलता कि उसे ये हुनर कैसे आ गया, लेकिन जब वह 13 वर्ष की थी तो किसी की आंख में तिनका गिर गया, जिसे निकालने के लिए उसने हामी भरी। बस तभी से लेकर आज तक कहरो देवी ने हजारों लोगों की आंखों को कुछ सेकंडों में ही दर्द से मुक्ति दिलाई है। कहरो देवी के पास बच्चे से लेकर बूढ़े युवा जब कराते हुए पहुंचते हैं तो चंद मिनटों में ही दर्द से छुटकारा पाकर जाते हैं। हालांकि कहरो देवी को जब भी कोई बुलाता है तो वह भी हाथ में अपनी स्पेशल किट लेकर समाज सेवा के लिए निकल पड़ती हैं। कहरो देवी का कहना है कि बचपन से ही भगवान ने उन्हें हुनर दिया है और कई बार तो आंखों का कहीं पर भी इलाज नहीं हो पाने के बाद भटकते हुए लोग पहुंचते हैं। उन्होंने बताया कि हमीरपुर ही नहीं, चंबा, कांगड़ा, ऊना, बिलासपुर, मंडी के अलावा कई बार तो चंडीगढ़ से भी लोग आते हैं। उन्होंने बताया कि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई मरीज बिना ठीक हुए यहाँ से लौटा हो। जैसे निकालती फिर चाकू से भी निकालती है। कहाँ सीखा आपने? मैं सीखे कुछ तो नहीं है, अपने आप 13 साल लगी कटने। तो कभी आपको डर लगता किसी की आंख खराब हो जाए? कैसे कटूं, उन्हें डरने कैसे डरती है मैं कहा ये उसने कट दिए। लगभग कितना टाइम में आप आंख से निकालते? आधा मिनट सारा, ज्यादा लग जाओ तो 10-15 मिनट और भी ला सकते, ज्यादा मरीज आते। बाकी नहीं, 13 साल लगी इसके बाद कोई जैसे कोई लड़वा नहीं कुछ नहीं, 13 साल कुछ नहीं लेंदी भी ऐसा गाल। कभी ऐसा हुआ कि किसी की नीट निकला हो आपके यहाँ? नहीं, नीट सब मेरे तो सब केस ठीक है, इज्जत ही करें। कहाँ कहाँ से आते हैं लोग आपके? दूर दूर आते आंदे, चंबा, कांगड़े, सारे जगह जगह, बिलासपुर आते, ऊना, सारे थे। आप ठीक करने के बदले में कुछ लेते, पैसे वगैरह लेते? नहीं नहीं लेते, कुछ नहीं लेते। अपने के बाद आप किसी और को बताएंगे इसके? अपनी जो मर्जी सीखना चाहते, मैं दसना चाहती भाई सीख सकता कोई आए। कई बच्चे रहे सुर थे इन कटे है, फिर तिस्ते बाद ले पे प्यास पे गए, फिर तिस्ते बाद ले पे मुझे सारे लगी पे बोन पे, मैं कखा कट दी मुन्नी मुन्नी बस इन पे ले पे भी सारे, फिर तिस्ते जनाना आए, फिर तिस्ते बाद मैं तिहरा कटे पे अगे ते अगे पे ले पे कटना, 13 साल बचपन दे ले पे कटना। कहरो देवी के पास आंख का इलाज करवा चुके लोगों का कहना है कि जब भी किसी की आंख में कुछ गिर जाता है तो तुरंत कहरो देवी के पास इलाज के लिए आते हैं। जी ये बड़े पुराने हैं और यहाँ पे लोग दूर दूर से आते हैं और वो कख वगैरह निकालते हैं ये अच्छी तरह, और क्या लगा आपको लगता है कि जो डॉक्टर नहीं करवाते हैं वो यहाँ पे ठीक हो जाते हैं? हॉस्पिटल में भी कई बार हम जाते हैं तो उनकी दवाई से भी हमें फर्क नहीं पड़ता है, फिर जाके स्किन के बाद चेक करवाया और इन्होंने निकाला तो उसके बाद जो है वो आंखों की ठीक, मतलब आंखें ठीक रहती थी हमारी। ऐसा ये आप सुई और चाक्कू से निकालते हैं रुई से, तो कभी डर नहीं लगता क्या ट्रीटमेंट करवाने? नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल, ये निकाल देंगे और ये काफी साल से निकालते हैं और काफी साल से इन्हें एक्सपीरियंस है। डर नहीं लगता है आपको? नहीं ये डर नहीं लगता है, हम रिश्तेदारों को बुलाते हैं, जो हमारे रिश्तेदारों को ऐसी प्रॉब्लम हो जाए था डॉक्टर को नहीं दिखाते यहाँ पे लोग? नहीं जी। तो ये चाकू और जैसे सुई से निकालते हैं तो कभी लगता नहीं कि आंख खराब हो जाएगी? नहीं जी नहीं जी, कोई भी खराब न हो इसका ना, तो हम इसके पास आते हैं। आंख में तिनका गिरने के बाद इलाज करवाने पहुंचे राजीव कुमार ने बताया कि मेरी आंख में तिनका गिर गया था और डॉक्टर के पास जाने पर उन्होंने ऑपरेशन की सलाह दी थी, लेकिन कहरो देवी ने चंद मिनटों में तिनका निकाल दिया। आंख में गिरा था 2-3 महीने पहले, फिर इन्होंने निकाला था कहरो देवी ने। आपको कैसे पता लगा कि ये आंख से निकालते हैं? मेरे को पता लगा था, मेरे घर के बगल में इनका घर ना, तो मेरे को तो पता ही था, तो मैं इनके पास ही गया था। डॉक्टर साहब ने मना किया कि ये निकले ऑपरेशन होगा, तो उन्होंने जो काम डॉक्टर साहब नहीं कर सके वो उन्होंने किया। तो आपको डर लगा कि जैसे सुई और चाकू से? मेरे को डर नहीं लगा इसके बारे में। गौरतलब है कि दशकों से कहरो देवी समाज सेवा के भाव से इस तरह अपने हुनर का प्रमाण दे रही हैं। चाहे आज के समय में विज्ञान कितनी भी तरक्की क्यों ना कर गया हो,
लेकिन फिर भी डॉक्टरों से ठीक न होने पर कैरो देवी ही आंखों में दर्द होने पर तुरंत इलाज के लिए एकमात्र सहारा बनती हैं, जिस कारण दूर दूर से लोग इलाज के लिए रोजाना पहुंचते हैं।